नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल बी एड एजुकेशन पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, तो मैं लेके आया हूं जो कि आप देख सकते हैं बी एड फर्स्ट ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र, यानी जो फर्स्ट पेपर होगा वो मैं लेके आ चुका हूं। ये जो पेपर होगा वो किस बेस पे होगा वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले ये पेपर जो होगा वो बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि का होगा और ये OMR बेस्ड होगा, यानी इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो थ्योरिकली नहीं आएंगे, वो सब OMR बेस्ड आएंगे। तो इसके लिए कैसे तैयारी करें वो मैं आपको कुछ क्वेश्चन लगवा देता हूँ, और ऐसे ही मैं हर एक वीडियो में ये क्वेश्चन लगवाता रहूँगा। बस आप ध्यान से इसको देखते रहिए और पढ़ते रहिए। तो दोस्तों, अगर ऐसे पढ़ते रहोगे आप, तो मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि आप 70% से ऊपर लाने वाले हैं, तो बस तैयार हो जाइए मेरे साथ। तो हम यूनिट फर्स्ट से पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो यूनिट वाइज हैं। ये इसमें जो ये बुक है बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि की, इसमें 5 यूनिट हैं, तो मैं फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो इस फर्स्ट यूनिट से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब मैं धीमे धीमे करके बताऊँगा। आज के लिए जो मैं लेके आया हूँ वो केवल 22 क्वेश्चंस हैं, 22 क्वेश्चंस मैं लगवाऊँगा आज। तो सबसे पहले हम धीमे धीमे शुरुआत करेंगे और क्वेश्चन के बारे में हम डीपली बात करेंगे, ओके, जिससे आपकी क्लियर और क्लियर समझ में आए। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन है बालक का विकास आरंभ होता है। देखिए ये क्वेश्चन है बहुत ही सीधा सीधा मतलब रख रहा है कि जो बच्चा है उसका विकास कहाँ से होता है। देखिए विकास जो होता है वो आपको मैं बता देता हूँ, विकास के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, जैसे कि सीधे सीधे पहले तो पाठ का नाम ही है तो उससे लेंगे हम, जैसे कि बाल्य अवस्था एवं अभिवृद्धि। तो ये जो बाल्य अवस्था एवं अभिवृद्धि जो है वो मतलब क्या रखती है, तो मैं तुम्हें सबसे पहले यही बताऊंगा कि सलाह भी दूंगा ये जानने की कि जो पहले जो नाम है बुक का उसको कंप्लीट कर लें आप, उसके हिसाब से आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि इसमें जो बुक में जो दिया गया है उसको नाम से ही हम जान सकते हैं इसमें क्या दिया होगा। तो सबसे पहले हम उसका नाम है जो है बाल्यावस्था है, तो यानी बाल्यावस्था यानी बचपन से जो दिया होगा, और दूसरा है एवं अभिवृद्धि। अभिवृद्धि का मतलब बहुत से लोग जानते होंगे तो उनके लिए अच्छा है, और जो नहीं जानते होंगे वो सीख लें, क्योंकि अभिवृद्धि का मतलब जो है वो उतना ही वैल्यूएबल है जितने कि आपकी ये एग्ज़ाम, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था मैंने बताया कि बचपन से रिलेटेड है, लेकिन वह उम्र जो बाल्यावस्था जो उम्र होती है वो कितने से कितने वर्ष की होती है वो मैं आपको बताता हूँ। बाल्यावस्था 1 से 5 वर्ष की होती है, तो वह उम्र जो 1 से 5 वर्ष तक रहती है वो बाल्यावस्था कहलाती है। और बाल्यावस्था को हम दूसरी भाषा में अगर चाहेंगे जानना तो बस या कह सकते हैं हम यहाँ पर कि जो बच्चों की लाइफ होती है, बच्चों की लाइफ होती है वो बाल्यावस्था ही होती है, ठीक है। तो ये बाल्यावस्था हमारी क्लियर हो जाती है। और अभिवृद्धि, अब अभिवृद्धि से क्या मतलब है, अभिवृद्धि का मतलब क्या होता है, दोनों ही चीज़ें हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे अभिवृद्धि होती क्या है। तो अभिवृद्धि जो है, वृद्धि मतलब आप जानते ही होंगे, वृद्धि मतलब बढ़ना, और अभिवृद्धि का मतलब होता है हमारे शरीर का बढ़ना, हमारे शरीर के अंगों का बढ़ना, ठीक है। तो आप क्लियर समझ गए होंगे कि अभिवृद्धि क्या मतलब है, कि मतलब है हमारे शरीर के अंगों का बढ़ना, या हमारे शरीर का बढ़ना ही अभिवृद्धि है, ओके। तो जैसे कि ये जो क्वेश्चन था कि पहला वाला बालक का विकास आरंभ होता है, तो बालक का विकास क्या हुआ, विकास क्या होता है देखो, और अभिवृद्धि क्या होता है, दोनों का मतलब कहीं तक मिलता है लेकिन पूरा पूरा मतलब नहीं मिलता है। तो पहले विकास और अभिवृद्धि दोनों चीज़ों के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं, तब कंपेयरिंग कर पाएंगे हम। जैसे कि अभिवृद्धि मैंने बताया शरीर का बढ़ना होता है, जबकि विकास शरीर का बढ़ना तो होता ही है, साथ ही साथ हमारे मस्तिष्क, हमारी क्रियाएं और हमारे शरीर तीनों का ही बढ़ना होता है, ओके, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, तो जो बालक का विकास है वो आरंभ होता है, तो हम लगाएंगे बालक का जो विकास आरंभ होता है वो होता है गर्भाधान से, ठीक है, यानी बच्चा जब गर्भ में आता है तब से ही उसका विकास शुरू हो जाता है, ओके, डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहता है,
विकास परिवर्तन की वह अवस्था है, विकास जो हम पढ़ के गए वही है विकास। विकास परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें प्राणी गर्भाधान से परिपक्वता यानी गर्भाधान से परिपक्वता तक गुजरता है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों एक बार फिर से रिपीट करूँगा मैं यही क्वेश्चन, विकास यानी विकास परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें प्राणी गर्भाधान से परिपक्वता तक गुजरता है, यह कथन किसका है। यानी ये जो कथन कहा गया है जिसमें प्राणी गर्भाधान से परिपक्वता तक गुजरता है, ये कथन की स्पष्टी करना चाह रहा है किसका है, तो हम लगाएंगे इसको कि ये मुनरो का है। किसका है? मुनरो का है ये, और मुनरो ने यही सुझाव दिया था। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है? ओके तो तीसरा क्वेश्चन है विकास को, यानी जो विकास है विकास को रचनात्मक परिपक्वता कहा, यानी विकास को रचनात्मक परिपक्वता किसने कहा, कहा तो कहा किसने कहा, तो बस अब हम यहाँ पे निकालेंगे। जो कहा था वो हरलॉक ने कहा था। किसने कहा? हरलॉक ने कहा था। और हरलॉक ने विकास के कई सिद्धांत दिए थे जिसमें एक रचनात्मक परिपक्वता का सिद्धांत भी था। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है अगला क्वेश्चन, सेले के अनुसार, जो सेले एक ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी कुछ सिद्धांत दिए थे, तो ये जो सेले हैं इनके अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। बाल विकास यानी बालक का विकास, बालक का विकास जो होता है वो तीन अवस्थाओं में होता है। कितनी अवस्थाओं में होता है? तीन अवस्थाओं में होता है। तो हम देखेंगे कि जो तीन अवस्थाएं हैं वो हैं कौन कौन सी, ठीक है। तो पहली जो अवस्था होती है वो गर्भावस्था होती है जिसमें बच्चा पेट के अंदर होता है, और जो दूसरी अवस्था होती है वो शैशवावस्था होती है, और जो तीसरी अवस्था होती है वो बाल्यावस्था होती है। यानी सेले ने तीन प्रकार से वर्णन किया था, यानी बालक का विकास किस अवस्था में होता है, तो बस तीन अवस्थाओं में होता है। कौन कौन सी अवस्था? एक तो गर्भाधान की अवस्था होती है, ठीक है, दूसरी शैशवावस्था होती है, और तीसरी, पहली गर्भाधान और दूसरी जो होती है वो होती है शैशवावस्था, और तीसरी जो होती है वो खुद बाल्यावस्था होती है। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है, और इसको इसमें क्या दिया गया है वो पढ़ते हैं। किसका कथन है, यानी किसने कहा, कथन का मतलब होता है कोई बात है जो कही गई है। तो किसका कथन है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। आदर्श काल का मतलब जो होता है वो आदर्श काल का सीधे सीधे मतलब है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं एक छोटा सा, कि कोई बच्चा होता है, आप जो बचपन में बच्चे को सिखाते हैं, मतलब जो सिखाते हैं अच्छी आदतें बुरी आदतें अच्छी बातें बुरी बातें, बच्चा उनको तुरंत दोहराता है, तो वही है आदर्श काल जिसमें मासूमियत से सीखा जाए। तो बच्चा बड़ी मासूमियत से सीखता है और वो उसकी शैशवावस्था होती है। ओके डन, तो अब ये किसने कहा? तो ये थे वैलेंटाइंस। कौन थे ये? ये थे वैलेंटाइंस। वैलेंटाइंस ने कहा था ये कि आदर्श काल होता है शैशवावस्था सीखने के लिए। ओके आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। ये इसमें क्या कह रहा है? रॉस ने, जो रॉस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी कुछ कहा था। रॉस ने बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा है? देखिए ये क्वेश्चन एक गड़बड़ वाला है जिसमें आप थोड़ी बहुत चीज़ें भूल जाएंगे, तो इसलिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए रॉस ने बाल्यावस्था को बांटा है। क्या? रॉस ने बाल्यावस्था को बांटा है, जबकि सेले ने विकास की अवस्थाएं बांटी हैं। क्या? सेले ने तो विकास की अवस्थाएं बांटी हैं, जबकि रॉस ने बाल्यावस्था को बांटा है। ओके तो ये यहाँ पे कन्फ्यूज ना होइएगा कि किसने क्या बांटा है। तो आपको क्लियर हो गया हो, अगर नहीं हुआ हो तो फिर भी कमेंट कीजिए, मैं फिर भी बताऊंगा। लेकिन एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि सेले द्वारा जो बांटा गया है वो विकास है। विकास, विकास यानी शरीर और मानसिक क्षमताओं का बढ़ना, विकास है। और जबकि रॉस के अनुसार केवल बाल्यावस्था, बालकों की अवस्था यानी एज ऑफ चाइल्ड, ओके उसको बांटा गया है। ओके अब तो क्लियर आ गया होगा समझ में। तो ये कितने भागों में बांटा गया है? तो रॉस ने बांटा है और दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है। ओके डन, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओके अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? किशोरावस्था, जो किशोरावस्था, किशोरावस्था में आपको मैं बता देता हूँ किशोरावस्था कहते किसको है।
देखिए, जब हम बाल्यावस्था से आगे की उम्र में बढ़ते हैं तो वो किशोरावस्था होती है। किशोरावस्था 12 से 18 साल की उम्र में होती है। ये 12 से 18 साल की उम्र को ही किशोरावस्था कहती है। अच्छा, किशोरावस्था अब आप समझ गए होंगे कि बच्चा कितनी लेवल पर किशोर हो जाता है। तो बस ये जो एज का मुआयना दिया गया है जिससे आप समझ सकते हैं कि किशोरावस्था कब से और कब तक चलती है, ठीक है, ओके। तो किशोरावस्था है वो बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यानी किशोरावस्था के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन ये जो बात कही गई हैं वो एकदम सही हैं, ओके। तो एक्चुअली इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि ये जो कहा गया है वो किसने कहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये स्टैनले हॉल हैं, इन्होंने कहा था ये कथन कि ये जो होती है वो संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है। डन, आगे बढ़ते हैं, ओके। तो आठवां क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन जो है वो क्या है, विकास की प्रक्रिया चलती है। विकास, वही मैंने बताया था, विकास क्या होता है, यानी विकास हर दिन होता है, हर घंटे होता है, हर पल होता है और हर क्षण होता है, जबकि अभिवृद्धि हर पल, हर क्षण और हर दिन नहीं होती, ओके। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि विकास जो होता है वो, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, मानसिक और शारीरिक और अपनी योग्यताएं तीनों को मिलाकर विकास प्राप्त होता है। यानी आए दिन, आए समय, आए पल हम में जो परिवर्तन होते रहते हैं वो विकास का एक कारण होते हैं। आप समझ गए होंगे ये विकास के बारे में क्लियर है। तो अब इसको क्वेश्चन को हम करते हैं कि जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है, वो जीवन पर्यंत चलती है। दोस्तों, जीवन पर्यंत का मतलब होता है आजीवन, जीवन भर हम सीखते हैं, जीवन भर हर घंटे सीखते हैं, ओके। तो अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, उसको देखते हैं। जो नौवा क्वेश्चन है वो है, हरलोक के अनुसार शैशवावस्था है, यानी हरलोक के अनुसार इसको किस लिमिट में बताया गया है कि यहाँ से यहाँ तक शैशवावस्था होती है। तो मैं आपको बता दूँ शैशवावस्था के बारे में, जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ थोड़ा बहुत शैशवावस्था के बारे में, तो फिर से मैं एक बार और तुम्हें अच्छी तरह से क्लियर करके बता देता हूँ कि जो शैशवावस्था होती है वो जन्म के तुरंत बाद की अवस्था होती है, ओके। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसकी वो शैशवावस्था शुरू हो जाती है, और ये रहती कब तक है, तो ये जो है वो जन्म से 2 सप्ताह तक रहती है, यानी लगभग हम कह सकते हैं 14 या 15 दिन, ओके। 2 सप्ताह इसलिए क्योंकि ये एग्जिट है, और 15 दिन इसलिए क्योंकि ये आधा महीना रहता है, ओके। तो दोनों ही सही हैं। अगर ऑप्शन में जो दिया जाएगा आप वो लगाएंगे, तो इसमें जो ऑप्शन में दिया गया है 2 सप्ताह है, तो 2 सप्ताह लगा सकते हैं आप, ओके। डन, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये कह रहा है किसने कहा है, यानी जो कहा गया है वो किसने कहा है, कहा क्या गया है, अब वो इम्पोर्टेंट है। अब कहा क्या गया है ये यहाँ से हम पढ़ते हैं कि व्यक्ति अपने संपूर्ण मानसिक विकास का आधा भाग यानी 50% 3 वर्ष की आयु तक प्राप्त कर लेता है। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे जो बात कहने वाले हैं उसका स्पष्टीकरण चाहिए हमें। व्यक्ति अपने संपूर्ण मानसिक विकास का, मानसिक विकास यानी माइंड पावर है कह सकते हैं हम, तो मानसिक विकास का आधा 3 वर्ष की आयु तक प्राप्त कर लेता है, यानी 3 इयर्स में ही वो प्राप्त कर लेता है। तो ये नाम बहुत ही अच्छा है, देखिए गुड से शुरू हो रहा है, गुड यानी अच्छी बात है, वो 3 वर्ष में कर रहा है, तो बस इसी से आप समझ सकते हैं कि ये जो है वो गुड एनफ का है, किसका है, गुड एनफ, ओके। डन, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर एक क्वेश्चन है 11वां, जो किशोरावस्था से लिया गया है। तो किशोरावस्था में ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होता है, यानी किशोरावस्था में कैसा स्वरूप होता है शिक्षा का, तो शिक्षा का स्वरूप होता है इसमें शारीरिक विकास होता है, इसमें मानसिक विकास होता है, और इन दोनों विकास के साथ साथ संवेगात्मक विकास भी होता है। संवेगात्मक मतलब इसमें हम उपयुक्त सभी का चयन करेंगे, ठीक है, उपयुक्त सभी यानी ये सब चीज़ें इसमें आती हैं, तो ओके। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है वो पढ़ते हैं, वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है,
संवेगों की संख्या होती है। संवेग यानी जो वही जो अभी मैंने संवेगात्मक विकास जो बताया था वही होता है संवेग। तो संवेग जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों ये 14 प्रकार के संवेग होते हैं। अभी मैं इसका वर्णन करूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए इन 14 संवेग बस यही याद कर लीजिए, संवेग 14 प्रकार के होते हैं। अच्छा अभी ये आगे एक और क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, तो वो देख लेंगे हम, है ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो 13वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, बालक के विकास के क्षेत्र हैं, जो बालक बढ़ता है उन्नति करता है यानी उसका जो विकास है वो किस प्रकार होता है। तो विकास देखिए फ्रेंड्स, आप थोड़ा भी डाउट हो तो विकास को आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि विकास क्या है। तो ये जो आपके सामने जो दिया गया है क्राइटेरिया, ये विकास को बहुत अच्छी तरह परिभाषित कर देगा, बहुत अच्छी तरह बता देगा कि विकास क्या होता है। ओके तो डन, तो आगे बढ़ते हैं। और देखो मैं आपको बता देता हूँ, विकास जो होता है शारीरिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है और मानसिक विकास होता है। शारीरिक विकास क्या होता है, शरीर का बढ़ना, जबकि सामाजिक विकास क्या होता है, आचार विचार, अच्छी संस्कृति और बुरी संस्कृति और अच्छे आदान आदान प्रदान आचार विचार जो सभी होते हैं वो सब सामाजिक विकास होता है। ओके फ्रेंड्स, अब मानसिक विकास क्या होता है, सोचने समझने की क्षमता, विवेक जो आता है वो इसी में आता है, यानी हम क्या चीज़ है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है उसकी पहचान कर सकते हैं, तो ये सब मानसिक विकास में आता है। तो ये तीनों चीज़ें जो आती हैं वो बालक के विकास के अंदर ही आती हैं। अब चौथा जो ऑप्शन बच जाता है वो है उपयुक्त सभी, तो हम इसी को लगाएंगे उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स ऐसा ना सोचिए आप कि इसमें जो उत्तर दिए गए हैं दा सा, तो फ्रेंड्स आप इन पे बिल्कुल गौर ना कीजिएगा, क्योंकि ये जो है एक तरह से पढ़ाई खराब करने वाली बात है। और फ्रेंड्स अभी आप सोच रहे होंगे तो थोड़ा मैं इसमें कमी कर गया हूँ कि ये हटा नहीं पाया हूँ फ्रेंड्स, लेकिन इसमें आप ये ना सोचिए कि पहले से भी टिक लग रहे हैं। अब मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको एक अच्छी नॉलेज देना है, ज्ञाता मैं भी नहीं हूँ और ज्ञाता कोई भी नहीं होता है फ्रेंड्स। बस आप एक चीज़ समझ लीजिए कि मैं आपको दे रहा हूँ ये चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से दे रहा हूँ, समझा के दे रहा हूँ, वही बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। और एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो डेट्स हैं आप देख सकते हैं 2018, 2017, 2018, 2017, ये बहुत बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं फ्रेंड्स। तो आप समझ गए होंगे कि कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स लाने में और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स। इस वीडियो को जल्दी से जल्दी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को हमारे को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप फ्रेंड्स इस चैनल के साथ बने रहेंगे तो आप भरोसा कीजिए कि मेरी गारंटी है आपको 70 से ऊपर पहुंचाने की। तो फ्रेंड्स अब बातें बहुत हो गई, आगे बढ़ते हैं, हैं? तो मैं क्वेश्चन नंबर 13 पे था तो इसमें मैंने टिक लगा दिया था उपयुक्त सभी पर। ओके तो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे का क्वेश्चन नंबर 14 है और इसको मैं पढ़ना चाहूँगा। तो इसमें जो दिया गया है वो क्या है, बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड, हमारा बचपन वही होता है, बाल्यावस्था की उम्र है। अब देखिए बाल्यावस्था की जो उम्र होती है वो मैनुअली 5 से 12 वर्ष तक होती है, यानी 5 से 12 वर्ष के जो एरिया एज के एरिया वाली बच्चे को हम बालक बोलते हैं, यानी बाल्यावस्था तभी हम मानते हैं। ओके यही बाल्यावस्था है। अब आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वो क्या है, बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है। अब फ्रेंड्स फिर बांटने वाली बात आ गई, वहाँ पर बाल्यावस्था को बांटा गया था, बाल्यावस्था को बांटा गया था और जबकि बाल विकास की अवस्थाएं बताई गई थी। तो अब इस जो क्वेश्चन में है ये बाल विकास को बांट रहा है और वहाँ पे बाल विकास की अवस्थाएं बताई गई हैं। तो फ्रेंड्स जितनी ही अवस्थाएं होती हैं उतने ही भागों में इसको बांटा जाता है, यानी इसकी 3 ही अवस्थाएँ होती हैं और इसे 3 ही भागों में बांटा जाता है। ओके समझ में आया या नहीं, तो इससे आप सीखे होंगे के बाल विकास को 3 भागों में ही बांटा जाता है और इसकी 3 ही अवस्थाएं होती हैं। ओके अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, कोल सनिक एक वैज्ञानिक का नाम है। तो इन्होंने क्या किया वो आगे देखते हैं। कोल सनिक ने विकास की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है। कोल सनिक ने विकास की प्रक्रिया, यानी जो विकास, ये यहाँ पे बच्चों से रिलेटेड नहीं है, बड़ों से रिलेटेड नहीं है,
केवल विकास की बात की गई है तो विकास की बात ही करेंगे। तो कोल सनिक ने विकास की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम सीधे ही टिक लगा देंगे, चार भागों में बांटा गया है। चार भागों में कैसे बांटा गया है वो एज मिलकल के हिसाब से आप बांट सकते हैं। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है, बालक के विकास की मुख्य अवस्थाएं हैं। जो बालक का विकास होता है उसकी मुख्य अवस्थाएं हैं, तो मुख्य अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। कौन कौन सी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीन भागों में बांटा गया है बालक के विकास को। ओके समझ में आया या नहीं? तो यहाँ पे ये तीनों ही हैं तो इसलिए हम इसको उपयुक्त सभी कर देंगे। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं और जो आगे क्वेश्चन है लेते हैं उसको। ये जो आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ये क्या कह रहा है हम अब इसको भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 जो कह रहा है वो कह रहा है बालक के विकास की मुख्य पक्ष हैं, यानी जो बालक का विकास होता है उसके मुख्य पक्ष हैं। यानी मुख्य पक्ष का मतलब है वो मैं आगे बता देता हूँ, इन्हीं ऑप्शन के हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आएगा। मुख्य पक्ष क्या होते हैं देखो, जैसे कि शारीरिक तथा गामक विकास। शारीरिक एवं गामक विकास यानी वही है शरीर का बढ़ना या शरीर के पार्ट्स का बढ़ना। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे जो है वो पढ़ते हैं। मानसिक तथा भाषाई विकास, मानसिक या भाषाई विकास यानी हमारे मस्तिष्क में आने वाली क्रियाएं उनकी पहचान करना, थोड़े एक्सपीरियंस वगैरह, वो मानसिक हो गया। और भाषाई यानी हम कैसे बोलचाल करनी चाहिए वो होता है। ओके आगे बढ़ते हैं। संवेगात्मक विकास, ये मैं बता चुका हूँ, तो इन तीनों के होने के कारण यहाँ पे हम उपयुक्त सभी करेंगे। यानी आप फ्रेंड्स ये समझ जाइए, जहाँ उपयुक्त सभी जो है वहाँ पे 90% यही काम करता है उपयुक्त सभी। 10% के लिए मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि 10% में कभी कभार ये गलत निकल जाता है, लेकिन 90% ज़्यादा तक ये उपयुक्त सभी ही निकलता है। ओके फ्रेंड्स, अगर याद भी ना कर पाए तो आप एक बार के लिए समझ लें, ज़्यादातर उपयुक्त सभी ही अगर आएगा तो इसको ही लगाना है। कभी कभार गलत होता है तो आप पढ़ के अपना डिसाइड कर लें। ओके तो अब क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया गया है उसको पढ़ने वाले हैं हम। तो वो कह रहा है शैशवावस्था होती है, जो शिशु की अवस्था होती है। देखिए वहाँ पर किसके अनुसार था, शिशु की अवस्था वहाँ पर जो कही गई थी, जो 2 सप्ताह के लिए कहा गया था, वो हरलोक के अनुसार थी। किसके अनुसार थी फ्रेंड्स, अभी हम डिसाइड कर लें, हरलोक के अनुसार थी। जन्म से 2 सप्ताह तक होती है शैशवावस्था, लेकिन ये बात यहाँ पर रद्द हो गई फ्रेंड्स। यहाँ पर कुछ और ही कह रहा है, कुछ और क्या कह रहा है वो आपको ये कंटेंट अच्छी तरह से क्लियर करना होगा, क्योंकि आप कभी कभार भूल जाएंगे तो आपका गलत लग जाएगा। अगर हरलोक की बात कर रहा है तो शैशवावस्था, देखिए आपको ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन कुछ अलग दिए गए। क्या कहा गया, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 सप्ताह तक, यानी दो 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 का वर्णन किया गया है। तो ये ऑप्शन आप देखते ही समझ जाएंगे, लेकिन आगे जो नीचे वाला जो प्रश्न पूछा गया है उसमें कुछ अलग ही देखने मिलेगा आपको, तो आप परेशान ना होइए कि कहीं आपका गलत ना हो जाए। तो नहीं होगा फ्रेंड्स, जो जिसके हिसाब से वो उसके हिसाब से ही ऑप्शन रखते हैं। ओके तो आप परेशान ना होइए। ये जो कह रहा है 21वां क्वेश्चन है वो ये जो 19वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो है शैशवावस्था होती है। तो जो शैशवावस्था होती है फ्रेंड्स, वो जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चे में शैशवावस्था पाई जाती है। यानी जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चे को शिशु बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, शिशु। और उसके बाद उसको बालक बोलते हैं, 5 से 12 वर्ष के बच्चे को बालक बोलते हैं, और 12 से 18 वर्ष के बच्चे को हम जैसे कि अभी पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था कि युवावस्था। ओके तो युवा अवस्था होती है वो। ओके तो अब 18 से 35 वर्ष तक मैं आपको बता दूं प्रौढ़ावस्था होती है, और 35 से 60 वर्ष तक आपकी जो होती है, ये भी गलत कंटेंट हो गया तो आपको बताना। तो फ्रेंड्स जो शैशवावस्था होती है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जन्म से 5 वर्ष तक की आयु को शैशवावस्था ही कहते हैं। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। और इससे एक और रिलेटेड बता दें, जन्म से 5 वर्ष तक शैशवावस्था होती है और 5 से 12 तक
बाल अवस्था होती है, ठीक है, ओके, आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, क्वेश्चन नंबर 20 को लेते हैं। अब इसको पढ़ते हैं, बाल अवस्था यानी जो बालक की अवस्था है की विशेषताएं हैं, बालक की जो बाल अवस्था है चाइल्डहुड उसकी विशेषताएं बता रहा है यानी पूछ रहा है, इसमें आपको बतानी है तो कई टाइप से बता रहा है तो वो आपको समझना होगा। जैसे कि पहला ऑप्शन दिया गया है शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता, बाल्यावस्था में क्या होता है शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता होती है। दूसरा जिज्ञासा की प्रबलता या जानने की इच्छा को जिज्ञासा बोलते हैं, तो उसमें प्रबलता यानी उसमें बच्चा एकदम उतावलापन दिखाता है, ओके। अब आगे मानसिक योग्यता में वृद्धि यानी वो क्वेश्चन टाइप, कभी कभार ऐसा कह दिया जाता है कुछ गेम से बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता है जबकि बड़ों को खेलने दिया जाता है, तो वही है एक हिसाब में आपको बता देना चाहता हूँ कि बच्चों की मानसिक योग्यता बड़ों से काफ़ी ज़्यादा होती है, ओके, क्योंकि बड़ों का ध्यान चार तरफ होता है जबकि बच्चों का ध्यान जहाँ होता है वहीं पर होता है, इसीलिए स्थिरता के बारे में कहा गया है, ओके। तो मानसिक योग्यता में वृद्धि, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब ये बात कही जा रही है, जैसे कि मैं बोलती आ रहा हूँ जहाँ पर उपयुक्त सभी आए वहाँ पर वही होता है, तो कभी कभार गलत होता है तो उपयुक्त सभी लगाएंगे यहाँ पे, ओके फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं 21। तो 21 जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, शैशवावस्था यानी शिशु की अवस्था जो होती है का समय परंपरागत रूप से माना जाता है। तो फ्रेंड्स वो जो था, मैं हरलोक के अनुसार फिर बार बार पहले से ही मैं आपको डिक्लेयर करना चाहता हूँ, हरलोक के अनुसार सप्ताह है लेकिन परंपरागत तौर पे 5 वर्ष ही माना जाता है, जन्म से 5 वर्ष तक ही शैशवावस्था माना जाता है, तो यहाँ पे जन्म से 5 वर्ष तक ही लगाएंगे, ओके, ऑप्शन नंबर 4, ओके, आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर 4 जन्म से 5 वर्ष तक, ओके। तो अब अगला और लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो 22 है। रॉस के अनुसार यानी रॉस वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार पूर्व बाल्यकाल यानी पूर्व बाल्यकाल का मतलब होता है बालक की अवस्था, लेकिन ये पूर्व के बारे में बात कर रहा है यानी थोड़ा पहले है, उससे थोड़ा पहले की बात कर रहा है, तो पूर्व बाल्यकाल है। पूर्व बाल्यकाल क्या मतलब है, यानी थोड़ा जो बाल्यकाल शुरू होता है 5 वर्ष से शुरू होता है और 12 वर्ष तक खत्म होता है, लेकिन ये पूर्व यानी उससे पहले भी एक बाल्यकाल की बात कही गई है, तो वो उसकी बाल्यकाल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो मैं आपको डिक्लेयर करना चाहूँगा कि वो बी है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है 2 से 6 वर्ष तक, 2 से 6 वर्ष तक पूर्व बाल्यकाल होता है, ओके फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2018 आप देख सकते हैं ये सब में आए हुए हैं, तो 16 18 18 आप देख सकते हैं ये सब में ज़्यादातर आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हैं और अच्छे से नोटिस भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप पढ़ते रहिए, बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। फिर से एक और बार बोलना चाहूँगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर 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 करें फ्रेंड्स, और बेल आइकन दबाना तो भूलें ही ना, क्योंकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी VET क्लासेस रोज़ाना लगने वाली हैं और दिन में 4 बार लगने वाली हैं, तो फ्रेंड्स एक दिन में 4-4 वीडियो आप वॉच करेंगे तो क्यों ना आप 70 से ऊपर लाएंगे, 70 से 101% आप 70 से ऊपर लेके आएंगे फ्रेंड्स, आप पक्का भरोसा रखिए 70 से जो भी आने वाला है फ्रेंड्स वो 70 से ऊपर ही आने वाला है, 70 बोले तो 70 से प्लस करके ही आने वाला है फ्रेंड्स, भरोसा रखिए, पढ़ते रहिए इसी तरह, ओके फ्रेंड्स। तो अच्छा चलते हैं, बाय बाय, सी यू, टाटा।